औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज हम ने ये लोबिया काश्त किया था। लोबिया को अब हम डिस्क हल की मदद से इसके अंदर, ज़मीन के अंदर हल चला रहे हैं, और ये इस तरह ये कट जाएंगे, छोटे छोटे पीसीज में तब्दील हो जाएंगे, और उसके बाद फिर ये जज़्ब हो जाएंगे पानी के अंदर, और ये सब्ज़ खाद भी बन जाएंगे, और इसका बड़ा फ़ायदा होता है। देख लें, ये डिस्क हल जो है ना वो चल रही है, और ये ज़मीन को बेहतरीन कर रही है। इसकी मदद से ये होगा कि ये जितने भी इसके पत्ते हैं और ये इसके इसकी बेलें हैं जो, ये सारी ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाएंगी। जब इसको पानी देंगे तो ये गल जाएंगे, और ये खादों के तौर पे खादों का काम करेंगी। वैसे तो इसको काट के इकट्ठा किया जाता है, लेकिन यह है कि डिस्क हल की मदद से इसको एक दफ़ा बेहतरीन तरीके से, ये दूसरा राउंड हम लगा रहे हैं, इसको हम तीन या चार राउंड लगाएंगे, फिर जाके ये तकरीबन सारी बेलें जो है ना वो पीसेज में कन्वर्ट हो जाएंगी, और फिर इसके अंदर हमने इंशाल्लाह काश्त करनी है कैनोला की, जो बाकी थोड़ी सी हमारी ज़मीन रह गई थी, कुछ काश्त करनी थी, लेकिन ये थोड़ा सा लेट हो गए हैं, क्योंकि इसमें लोबिया था, लोबिया को जो है ना वो हम तड़वाई उसकी कर रहे थे, तो इस वजह से कुछ दिन ऊपर हो गए, लेकिन अभी ये अक्टूबर का महीना है, तो इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर अंदर हमने ये काश्त मुकम्मल कर लेनी है। ये तकरीबन दो एकड़ ये ज़मीन है हमारी, और एक एकड़ हमने पहले लगाया हुआ है कैनोला, और ये भी हमने इंशाल्लाह कैनोला लगाना है। बीज वगैरह सारा कुछ आ गया, बीज को जब हम छटा देंगे तो वो आपके साथ शेयर करेंगे कि बीज को हम कौन से सीड एलिमेंट्स लगाते हैं। बायोजॉट के नाम से भी एक जहर आती है, उसको भी हम लगाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी वीडियो शेयर करूंगा। इसी ज़मीन में लास्ट टाइम पिछले साल हमने सुपर राया की फसल काश्त की थी, जिनकी तमाम वीडियोस इसी चैनल पे मौजूद हैं। तो इस साल पिछली दफ़ा हमने 1 अक्टूबर को काश्त की थी इस ज़मीन में, लेकिन इस दफ़ा हम थोड़े से लेट हो गए। लेट होने की वजह यही थी, कुछ एक एकड़ हमने पहले काश्त कर ली है, बाकी ये इंशाल्लाह आप जल्दी काश्त कर लेंगे। वो हमने वतर पे काश्त की थी, लेकिन इसको हमने वतर पे काश्त नहीं करना, इसको हमने डिस्क हल चला के उसके बाद फिर इसको हल लगा के इसके अंदर छट्टा दे के खेले हमने निकालनी है इसकी, जो मकई के लिए खेले निकाली जाती है ना, वही खेले हमने निकालनी है इसकी। तो उससे ये होगा कि पानी लगाना ज़रा थोड़ा सा ईजी होगा, और पानी का वतर सिर्फ ऊपर तक जाएगा, और वो अच्छी तरह जो है ना उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। इसको पानी डायरेक्ट ना ही लगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इंशाल्लाह मज़ीद आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।